हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीपीए के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। तो उनमें हम सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेकेंड टॉपिक, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है? एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ इलेक्शन इज प्रोपाउंडेड इन द सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में एक महत्वपूर्ण रूल नियम दिया गया है, जो कि है इलेक्शन का सिद्धांत। इलेक्शन यानी निर्वाचन का सिद्धांत दिया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन भी कहा जाता है। सेक्शन 35 बताता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कहीं पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं ट्रांसफरी के लिए, तो कि एक वो चूज़ कर ले और एक वो रिजेक्ट कर दे, वो रिटर्न में लिखित में है या फिर किसी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज के द्वारा है, तो उसे अधिकार होगा कि वो उनमें से एक ऑप्शन को चुन ले। और ऐसी जो परिस्थिति आएगी जिसमें से उसे एक को चुनना होगा और एक को छोड़ना होगा। तो अब सेक्शन 35 कहता है, देर इफ़ अ पर्सन टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी ऑफ विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का अंतरण कर देता है जिसे अंतरण करने का उसे अधिकार ही नहीं है, एंड ही प्रोवाइड्स एन इंटरेस्ट टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, और वो हित देता है उस अंतरण में प्रॉपर्टी उस संपत्ति के, फॉर सच ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए, देयर सच ओनर मस्ट बी इलेक्टेड हु विल कन्फर्म सच ट्रांसफ़र। तो वहाँ पर जो ओनर है उसके पास वो इलेक्ट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उस ट्रांसफ़र को, उस अंतरण को कंफर्म कर दे और रिजेक्टेड, या फिर उसे रिजेक्ट कर दे, और हैव टू कंसेंट इट, एंड आफ्टर इट ही विल रिलिंक्विश सच प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, एंड सच रिलिंक्विशमेंट विल बी रिवर्टेड टू ट्रांसफरर और इज रिप्रेजेंटेटिव। बाद वो अपना ऐसा जो इंटरेस्ट जो उसका अराइज होता है इस प्रॉपर्टी में, उसको गिव अप कर देगा, और जो वो इंटरेस्ट होगा वो किसके फेवर में चला जाएगा, ट्रांसफरी के। तो ये इसमें एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ए अ फील्ड इन सुल्तानपुर इज प्रॉपर्टी ऑफ सी, कि किसी जगह पर एक प्रॉपर्टी है सी की, एंड इट्स वैल्यू इज ₹800, और उसकी जो दाम है, उसका जो मूल्य है वो ₹800 है। ए ट्रांसफर्स दिस फील्ड टू बी, ए इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र कर देता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के द्वारा, एंड गिव्स ₹1000 टू सी, और वो ₹1000 किसे दे देता है, सी को। सी यहाँ पर सी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो हज़ार रुपये ले या फिर वो उस प्रॉपर्टी को ले। तो ये है इलेक्शन का अधिकार, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। द बेसिक रूल ऑफ इलेक्शन इज दैट एनी पर्सन कैन नॉट अप्रूव एंड डिसअप्रूव द रूल्स एट सेम टाइम, वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है कि वो उसे मंजूरी भी दे दे और उसे नकार भी दे। ही हैज़ टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द टू, उसे उन दोनों ऑप्शंस में से कोई इसी किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, इफ़ अ पर्सन एक्सेप्ट एन इंटरेस्ट अंडर टेस्टमेंट्री डॉक्यूमेंट, लेता है एक डॉक्यूमेंट से, देन ही हैज़ टू एक्सेप्ट एवरी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तब उसे उस डॉक्यूमेंट उस दस्तावेज के हर भाग को अपनाना होगा, एंड ही हैज़ टू रिजेक्ट सच रेगुलेशंस, और उसे ऐसे विनियमों को त्याग करना होगा विच आर अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट, कि जो विनियम और नियम उस दस्तावेज के खिलाफ है। इट इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ इलेक्शन, यही मेन मौलिक रूल है इलेक्शन का। तो इन सिंपल वे वी कैन से दैट इन द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नो वन कैन एक्सेप्ट ओनली द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसफर एंड रिजेक्ट इट्स लाइबिलिटीज, कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में कोई व्यक्ति चुनता है तो उसे चुनने का अधिकार है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ वो उसके फ़ायदे ही को अडोप्ट करे और जो उसमें लाइबिलिटीज जो उसके दायित्व हैं उनको वो एक्सेप्ट ना करे। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसे दोनों को ही चुनना पड़ेगा। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? पहला एसेंशियल एलिमेंट है व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अनऑथराइज्डली, कि प्रॉपर्टी जो है अनऑथराइज्डली ट्रांसफ़र होनी चाहिए, यानी उस व्यक्ति द्वारा ट्रांसफ़र होनी चाहिए जिसको उसे ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है। अब दूसरा जो है ये कहता है, व्हेन इंटरेस्ट इज वेस्टेड इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु इज इलेक्टिंग,
तो ये कहता है कि जिसके पास इलेक्शन का अधिकार है, जो इलेक्ट करेगा, उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होना ही चाहिए। थर्ड है व्हेन ऑथराइज एंड अनऑथराइज ट्रांसफर इज डन अंडर सेम ट्रांजेक्शन, जहाँ पर कोई ऐसा वर्क हो जाता है कि एक वर्क तो ऑथराइज है यानी उसे मंजूरी मिल सकती है और दूसरा अनऑथराइज है जिसे हम मंजूरी नहीं दे सकते हैं, वो किसी एक ही ट्रांसफर यानी अंतरण में हो जाते हैं। फोर्थ जो है व्हेन द ट्रांसफरर वाज अवेयर और नॉट अवेयर अबाउट द ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसफरर है अंतरण करने वाला व्यक्ति वो उस वक्त अवेयर था या नहीं था प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते वक्त, यह ज़रूरी नहीं है। फिफ्थ है व्हेन द इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे उसमें उसका जो इंटरेस्ट है हित है वो डायरेक्टली हो प्रेजेंट उसमें या फिर वो उसमें प्रेजेंट डायरेक्टली ना हो। अब मेथड ऑफ इलेक्शन, यहाँ पर दो मेथड दिए गए हैं इलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट इज इलेक्शन बाय डायरेक्ट फॉर्म, कि वो डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर ले। सेकंड है इलेक्शन बाय कंडक्ट, कि वो ऐसा कुछ बिहेवियर करे जिससे पता चल जाए कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब डायरेक्ट फॉर्म में कैसे इलेक्ट करेंगे, कि जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी ए ने बी के फेवर में कर दी है तो वो कह दे वो एक्सेप्ट कर ले, तो ये इलेक्शन इन डायरेक्ट फॉर्म है। और दूसरा जो है कि कंडक्ट के द्वारा, उसके बिहेवियर के द्वारा, वो ये है कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी के फेवर में, कि अगर वो ऐसा वर्क करेगा, मान लीजिए उसे कहा है कि अगर वो 12th में टॉप करेगा बोर्ड में तो उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो अगर वहाँ पर वो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर जाता है बी, तो प्रॉपर्टी उसके ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये ट्रांसफ़र बाय कंडक्ट, इलेक्शन बाय कंडक्ट होगा, यानी उसके बिहेवियर के द्वारा होगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस अगेंस्ट इलेक्शन। फर्स्ट है व्हेन ट्रांसफ़र इज इलीगल, जब जो ऐसा अंतरण किया गया है वो अवैध है तो वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगी डॉक्ट्रिन ऑफ जो इलेक्शन है, यानी हमें इलेक्ट करने का अधिकार नहीं होगा। इसमें एग्जांपल है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है परपेचुटी के ख़िलाफ़, तो यहाँ पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट इंटरेस्ट डायरेक्टली अंडर ट्रांजेक्शन, जब किसी व्यक्ति को डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में तो भी वहाँ पर इलेक्शन का उसके पास राइट नहीं होता है। थर्ड है वेयर द केस इज ट्रांसफर्ड इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट, जहाँ पर सरकार ने कोई चीज़ प्रोवाइड की है तो वहाँ पर भी ये अवेलेबल हमें नहीं होता है इलेक्शन का अधिकार। और फोर्थ जो है वेयर द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट इक्विटेबल, जहाँ पर जो संपत्ति का अंतरण है वो इक्विटेबल नहीं है, सामान्य नहीं है, वहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं है। और लास्ट जो है वेयर द इलेक्शन बाय क्लियर डिक्लेरेशन इज़ नॉट कंपलसरी, जहाँ पर कहा गया है कि इलेक्शन कोई चीज़ चुनना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं हो।